हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की रची साजिश। मंडार पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना व मारपीट की घटना का पर्दाफाश कर महिला सहित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मंडार थाना अधिकारी अशोक सिंह चारण ने बताया कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रार्थी हरीश कुमार प्रजापत निवासी दानपुरा थाना मंडार ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 13 फरवरी 2022 की शाम करीबन 7:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी श्रीमती दक्षा मोटरसाइकिल से घर पर जा रहे थे, तब दानपुरा प्राथमिक स्कूल के पास सामने से मोटरसाइकिल चालक ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मारी, जिससे यह और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल के नीचे गिर गए। गिरने के बाद मोटरसाइकिल चालक व उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की, फिर हम इलाज के लिए अस्पताल आ गए। घटना के समय हमारे मोबाइल फोन, पर्स, मेरी पत्नी के आभूषण भी गुम गए, जो हमें नहीं मिले। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह प्रकरण में बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए, जिनकी पालना में पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए तो वारदात में मुस्तगीस के पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर संदिग्ध प्रवीण कुमार भील निवासी रायपुर को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो पाया कि मुस्तगीस की पत्नी ने प्रवीण कुमार के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उसके पति हरीश कुमार को जान से खत्म करवाकर अपने प्रेमी के साथ शादी करने का षड्यंत्र रचकर उसके पति को जान से मारने के लिए अपने प्रेमी प्रवीण कुमार को बताया। षड्यंत्र के अनुसार प्रवीण कुमार उसके दो दोस्तों को लेकर दिनांक 23 फरवरी 2022 की शाम को दानपुरा आकर हरीश कुमार की मोटरसाइकिल की उसकी मोटरसाइकिल टक्कर मारकर नीचे गिराया तथा दोस्तों के साथ मिलकर हरीश कुमार के साथ मारपीट की। हरीश कुमार द्वारा ही हल्ला करने पर अभियुक्तों ने हरीश कुमार का मोबाइल फोन, हरीश का पर्स उससे छीन लिए तथा दक्षा के पहनने के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद श्रीमती दक्षा ने जानकारी छुपाकर अपने पति को एक्सीडेंट का मुकदमा करवाने की सलाह दी। घटना की रिपोर्ट देने के बाद पुलिस को जांच में गुमराह करने के लिए मुस्तगीस हरीश कुमार उसकी पत्नी को सलाह अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर त्वरित जांच करने की मांग कर रिपोर्ट पेश की गई थी। प्रकरण की घटना करने वाले अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र बाबूजी भील निवासी रायपुर, अमृत भाई माली हाल निवासी रायपुर, प्रवीण कुमार पुत्र बगनाजी भील निवासी जालमपुर तथा प्रकरण की घटना के लिए मंत्र रचने वाली अभियुक्ता श्रीमती दक्षा उर्फ संजना पत्नी हरीश कुमार प्रजापत निवासी दानपुरा को दस्तयाब किए, बाद में पूछताछ गिरफ्तार किए गए, जिनसे प्रकरण में अनुसंधान जारी है। मंडार पुलिस द्वारा उक्त घटना का खुलासा करने पर क्षेत्र के लोगों ने थाना अधिकारी मय टीम का आभार व्यक्त किया है। गिरफ्तार मुलजिमान प्रवीण कुमार पुत्र श्री बाबूजी जाति भील उम्र 22 साल निवासी रायपुरा पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही, अमृत भाई पुत्र श्री कीकाजी जाति मिल उम्र 23 साल निवासी किंडानदर पुलिस थाना अमीरगढ़ जिला बना सकाटा गुजरात हाल निवासी रायपुर पुलिस थाना नवार जिला सिरोही, प्रवीण कुमार पुत्र श्री भगना राम जाति भील उम्र 23 साल निवासी जालमपुरा पुलिस थाना मंडार जिला सिरोही, श्रीमती कुमारी उर्फ संजना पुत्री श्री अमरा राम पत्नी श्री गरीश जाति प्रजापत उम्र 20 साल निवासी दानपुरा पुलिस थाना मंडार कार्यवाही में शामिल टीम। पुलिस टीम अशोक सिंह थाना अधिकारी, रमेश थान हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह चौधरी, कांस्टेबल हनुमान राम, आसू राम, सोहन लाल, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार पुलिस थाना मंडार का सहयोग रहा। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।